हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं हेड और नेक की रीजनल एनाटॉमी बीडी चौरासिया के बुक से, और टॉपिक जो हम समझ रहे हैं वो स्कल। और स्कल को अप्रोच करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल सर्फेस के 5 व्यूज हैं, सुपीरियर व्यू, लेटरल व्यू, फ्रंटल व्यू, इन्फीरियर व्यू और ऑक्सीपिटल व्यू। तो आज हम स्कल की एक्सटर्नल सर्फेस का जो व्यू मास्टर करेंगे, जिसको डिस्कस करेंगे, उसका नाम है नॉर्मा वर्टिकालिस। इसका दूसरा नाम क्या था, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, इसका दूसरा नाम था सुपीरियर व्यू। सुपीरियर व्यू का मतलब यह है कि स्कल ऊपर से देखने पर कैसा लगता है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर व्यू। तो आज सुपीरियर व्यू के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसकी शेप। सुपीरियर व्यू से स्कल देखने पर कैसा नजर आता है, देखें, इट इज ओवल इन शेप, ठीक है। द स्कल इज यूजुअली ओवल इन शेप व्हेन यू व्यू इट फ्रॉम द सुपीरियर साइड। नेक्स्ट चीज जो आपको बतानी चाहिए वो ये कि इसमें बोन्स कौन कौन सी है। अब देखें, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द इंटीरियर साइड ऑफ द स्कल एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्कल। और ये मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि एंटीरियर साइड ऑफ द स्कल में जब सुपीरियर व्यू से देख रहे होते हैं तो फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल बोन इज ऑन द इंटीरियर साइड, और पीछे ऑक्सीपिटल बोन। तो दो बोन्स ये हो गई सुपीरियर व्यू से, फ्रंटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन पोस्टीरियर साइड पे, और दो बोन्स ये साइड पर हैं, पैराइटल बोन। सो पैराइटल बोन ऑन द लेफ्ट साइड एंड पैराइटल बोन ऑन द राइट साइड। सो यही बात यहां पर लिखी हुई भी है कि बोन्स कौन कौन सी हैं सुपीरियर व्यू में, फ्रंटल बोन का अपर पार्ट एंटीरियर साइड पे, अपर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन पोस्टीरियर साइड पे, और पैराइटल बोन ऑन ईच साइड, ठीक है। तो जब भी आपके सामने सुपीरियर व्यू आएगा तो ये फ्रंटल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, और ये दो हैं पैराइटल बोन्स, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सुपीरियर व्यू से सूचर्स कौन कौन से नजर आते हैं। तो पहला सूचर है जनाब कोरोनल सूचर, दिस इज प्लेस बिटवीन द फ्रंटल एंड टू पैराइटल बोन्स। आइए देखते हैं, ये थी फ्रंटल बोन और ये है दो पैराइटल बोन्स। तो ये वाला जो सूचर है जो इन बोन्स के दरमियान है, इस सूचर को हम नाम देते हैं कोरोनल सूचर, ठीक है। सो ये हो गया कोरोनल सूचर। अगला सूचर है सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर इज प्लेस्ड इन द मीडियन प्लेन बिटवीन द टू पैराइटल बोन्स। कहां थी पैराइटल बोन, ये पैराइटल बोन है और ये पैराइटल बोन है, तो इनके बीच में ये जो सूचर है इसका नाम है सजाइटल सूचर, ठीक है। नेक्स्ट है लैम्डोइड सूचर, इट लाइज पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ होगा, बिटवीन द ऑक्सीपिटल एंड टू पैराइटल बोन्स। देखिए ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये दो पैराइटल बोन्स हैं, तो ये वाले जो सूचर हैं इन सूचर्स को नाम देते हैं लैम्डोइड सूचर। तो तीन सूचर्स ये आपको पता चल गए कि कोरोनल सूचर क्या है, सजाइटल सूचर क्या है और लैम्डोइड सूचर क्या है। फिर ये चौथा सूचर है, ये सब में नहीं होता, इट्स प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इट्स कॉल्ड द मिटोपिक सूचर। इट इज ओकेजनली प्रेजेंट, सब में नहीं होता, ओके, ओनली इन अबाउट 3-8% ऑफ द इंडिविजुअल्स। It lies in the median plane and separate the two halves of the frontal bone. यानी जो frontal bone है ना, इसके बीच में ही होगा, ठीक है, लेकिन ये सब में नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। And normally it fuses at about 6 years of age. तो अब तक हमने क्या बात की, अब तक हमने ये बात की कि skull की exterior surface का जो superior view है यानी norma verticalis, उसमें frontal bone है anterior side पे, occipital bone है posterior side पे, और side पे हैं दो parietal bones. फिर हमने different sutures के नाम पढ़े, coronal suture, ये वाला, सजाइटल सूचर ये वाला, एंड देन लैम्डोइड सूचर, ओके। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ नाम हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए, जो याद होने चाहिए, जो स्कल की एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं वो नाम क्या है। वर्टेक्स इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द सजाइटल सूचर, यानी जो सजाइटल सूचर है, जो मिड सूचर था, इसका जो हाइएस्ट पॉइंट होगा, उस हाइएस्ट पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स ऑफ द स्कल, ओके। फिर आपको वॉल्ट पता होना चाहिए। वॉल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज द रूफ ऑफ द स्कल, यानी अगर किसी का स्कल है, दिस स्कल, इसको अगर मैं यहां से ऐसे कट कर दूं तो ये ऊपर ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है वॉल्ट ऑफ द स्कल, यानी ढक्कन, खोपड़ी का ढक्कन, इसको अगर मैं हटा तो ये पूरा खोपड़ी का जो ढक्कन है ऊपर वाला हिस्सा, ये कहलाएगा वॉल्ट, ठीक है, वॉल्ट, ये नाम आपको समझ में आना चाहिए। ब्रेग्मा एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको बतानी चाहिए, इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द कोरोनल एंड द सजाइटल सूचर। अब ये जो ब्रेग्मा है, दो सूचर्स जहां मिल रहे हैं, देखें, ये एक सूचर है आपका जिसका नाम था कोरोनल सूचर, ये दूसरा सूचर है, तो ये इनके मिलने का ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, इसको नाम देते हैं ब्रेग्मा, ठीक है। ये टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछते हैं ये कि ब्रेग्मा क्या है, ठीक है। देन व्हाट इज द लैम्डा, इट इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सजाइटल एंड द लैम्डोइड सूचर। अब ये आप अगर सूचर समझ लिए तो अब आपको ये पता लगाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो दैट पॉइंट जहां पे ये सजाइटल और लैम्डोइड सूचर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम नाम
नाम देते हैं लैम्डा। ओके, सो लैम्डा, ब्रैगमा, ये अजीब से लैटिन और ग्रीक सुनने में लग रहे हैं, बट अब आपको पता है कि ये हैं क्या। पैराइटल ट्यूबर या पैराइटल एमिनेंस कहते हैं इज द एरिया ऑफ द मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ द पैराइटल बोन। जो पैराइटल बोन है वो ये वाला जो पॉइंट होगा पैराइटल बोन का, जो सबसे ज्यादा, जिसका आप कह लें कि अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो उसकी लाइन की विड्थ सबसे ज्यादा होगी, द हाईएस्ट prominent point on the lateral side is called the parietal tuber। दोनों तरफ होगा, इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा, right और left दोनों side पे parietal tuber होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्चर कॉमन होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एसोसिएशन है, ठीक है। देन देयर इज अ पैराइटल फोरामिना, वन ऑन ईच साइड पियर्सेस द पैराइटल बोन नियर द अपर बॉर्डर 2.5 टू 4 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द लैम्डा। द पैराइटल फोरामेन ट्रांसमिट्स इमिशरी वेन्स the veins of the scalp to the superior sagittal sinus। ये important चीज है, veins जब sinuses पढ़ेंगे तब बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये foramen पता होना चाहिए कि ये जो point है जिसको हमने lambda नाम दिया था, इससे थोड़ा सा ऊपर ये foramen होते हैं दोनों साइड पर, sagittal suture के right side पर भी और sagittal suture के left side पर भी। इस foramen को हम नाम देते हैं parietal foramen, पता होना चाहिए, इसमें से veins गुजरती हैं, ठीक है। फिर एक point है obelion, is the point on the sagittal suture between the two parietal foramina, yani ek parietal foramen idhar hai, dusra parietal foramen idhar hai, uske beech ka jo point hai usko naam dete hain obelion। to ye sab diction hai anatomy ki, jo words aapko pata hone chahiye। then there are temporal lines, they begin at the zygomatic process of the frontal bone, arch backward and upward। aapko direct diagram pe dikhata hu ye temporal lines kya hai। do temporal lines hoti hain, superior temporal line jo yun chal rahi hai aur inferior temporal line, dono sides par ye hoti hain, theek hai। फर्दर इसकी डिटेल पढ़ेंगे जब लेटरल व्यू पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा जी, तो यहां तक बात सबकी समझ में आ गई। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जनाब एक्सटीरियर साइड ऑफ द स्कल का सुपीरियर व्यू यानी नॉर्मल वर्टिकलिस, उसमें बोन्स कौन कौन सी हैं, उसमें सूचर्स कौन कौन से हैं और उसमें इंपॉर्टेंट एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर्स बॉस ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। अब बात आने लगी है क्लिनिकल एनाटॉमी की, हमेशा पढ़ाता हूं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में यहां जो चीज आपने समझनी है वो है दिस वर्ड व्हिच इज कॉल्ड फोंटेनेल्स। नाउ Fontanelles are the sides of growth of the skull, permitting growth of the brain and help to determine the age। देखो, fontanelles जो होते हैं ना आपके, ये डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, इस डायग्राम पे समझते हैं fontanelles क्या हैं। देखो, ये fontanelles हैं। Bones के बीच में ये जो gappy structure है, it is filled with extracellular matrix और ये cushion की तरह से काम करता है। जब growth हो रही होती है अंदर brain की, तो यहाँ से bones एक दूसरे से दूर होती हैं। So इन junctions को हम नाम देते हैं fontanelles। Anterior fontanelle, posterior fontanelle and anterolateral fontanelle। और ये कब कब क्लोज होते हैं, बच्चों में होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये फ्यूज होते चले जाते हैं fontanelles, ठीक है। सो fontanelles आपको पता होना चाहिए कहां कहां होते हैं, एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे। इनकी locations अभी बताता हूं आपको, एग्जैक्ट locations, ताकि ये चीज मजीद क्लियर हो जाए। लेकिन आपको इसका काम का पता होना चाहिए कि ये करते क्या है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू नो अलाउइंग द ब्रेन। अब इसको जरा इमेजिन करो कि देखो ये स्कल है ना, दिस इज स्कल, इसके अंदर यहां पे पूरा ब्रेन होगा, ब्रेन की ग्रोथ होनी है, तो इसने आउटवर्ड मूव करना है, लेटरली मूव करना है, पोस्टीरियरली मूव करना है। तो अगर ये बोन्स आपस में टाइट सूचर्स के साथ शुरू से जॉइंटेड फॉर्म में होंगी तो ब्रेन की ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती। यानी अगर एक पीस ऑफ बोन हो, दिस इज वन पीस ऑफ बोन और इसके अंदर आपका ब्रेन मौजूद है, अब अगर ब्रेन को ग्रो करना है तो ये कैसे ग्रो करेगा, बाहर तो बोन मौजूद है तो ये तो ग्रो हो ही नहीं सकता। तो नेचर ने सिस्टम ये रखा है कि भाई एक बोन है और दूसरी बोन है और उसके बीच में ये फॉन्टेनेल है। अब जब ब्रेन को ग्रो करना है तो ये फॉन्टेनेल ऐसी जगह है जहां से खिंचाव होगा और बोन्स थोड़ी थोड़ी मूव करेंगी और फॉन्टेनेल वो कुशन देगा ताकि ब्रेन की ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो ये ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका फॉन्टेनेल। नाउ एंटीरियर फॉन्टेनेल इज बल्जिंग, देन इट मींस दैट देयर इज रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, एंड इफ एंटीरियर फॉन्टेनेल इज डिप्रेस्ड इट मींस दैट देयर इज डिक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब ये मैं आपको थोड़ा सा क्लिनिकल एक बात समझाता हूं। देखो, बच्चों में एक बीमारी होती है जो डिहाइड्रेशन, डायरिया बहुत कॉमन है ना बच्चों में, तो अक्सर घरों में बड़े बुजुर्ग भी ये काम करते हैं कि बच्चों के सर पे इस जगह पे हाथ लगा के देखते हैं कि यार तालू डिप्रेस तो नहीं हो रहा, तालू बैठ तो नहीं रहा। ये तालू कहते हैं इसको आम जबान में, घरों में पुराने
दादी नानी इनसे अगर आप पूछेंगे तो ये आपको ये वर्ड बताएंगे कि जी तालू, तालू ये एंटीरियर फॉन्टनेल का कॉमन लैंग्वेज में नाम है। अगर ये थोड़ा सा डिप्रेस हुआ हुआ है इस तरह, इसका मतलब ये है कि अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो गया है, यानी कि डायरिया की वजह से हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर ये एंटीरियर फॉन्टनेल ऐसे बल्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसलिए ये बल्ज कर रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, जैसे हाइड्रोसेफलस में होता है। सो एंटीरियर फॉन्टनेल एक इंपॉर्टेंट डिजीज इंडिकेटर है, ठीक है। तो एंटीरियर फॉन्टनेल के बारे में ये बात आपको बतानी चाहिए। देन बोन्स ओवरराइड एट द फॉन्टनेल हेल्पिंग टू डिक्रीज द साइज ऑफ ड्यूरिंग द वजाइनल, जब डिलीवरी हो रही होती है तो डिलीवरी के वक्त जाहिर है एक स्मॉल वजाइनल केनाल है, उसमें से ये बड़ा सा हेड गुजरना है, तो ये बोन्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती है इस फॉन्टनेल की वजह से। अगर ये फॉन्टनेल नहीं होता तो बोन्स में फ्रैक्चर हो रहा होता। तो फॉन्टनेल का एक काम तो आपको ये पता लग गया कि जी ब्रेन की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, फॉन्टनेल का दूसरा काम आपको ये पता लग गया कि डिलीवरी के दौरान इट हेल्प्स ताकि वजाइनल केनाल से बेबी का हेड पास हो सके, ठीक है। फिर एक टर्म ये यूज होती है क्लिनिक्स में, कैपिट सेकेंडेनियम, ओके। इस टर्म का क्या मतलब है, इज अ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द स्कल ड्यू टू रप्चर ऑफ द कैपिलरीज ड्यूरिंग डिलीवरी, स्कल बोन्स बिकम नॉर्मल विद इन अ फ्यू डेज पोस्टनेटल लाइफ। सो स्वेलिंग हो जाती है बेसिकली बिकॉज वेन्स रप्चर होती हैं डिलीवरी के प्रोसेस में। यहां पे ये इसलिए एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि यहां पे फॉन्टनेल और बोन्स की ओवरराइडिंग का जिक्र है। तो ये सारी बातें अगर आपकी समझ में आ जाती हैं, सो ये इस तरह से देखें, यहां पे ये स्वेलिंग है, ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, टाइम के साथ ये सही हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपीरियर व्यू। सुपीरियर व्यू में आपको पता होना चाहिए, अगेन अगर मैं इस व्यू पे आपसे पूछूं कि एंटीरियर फॉन्टनेल कहां पे होगा, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द एंटीरियर फॉन्टनेल, ओके। सो ये हम मजीद फॉन्टनेल्स पढ़ेंगे जब हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे मेनिंजीज वगैरह के। सो सुपीरियर व्यू यहां पे खत्म हुआ। नॉर्मा वर्टिकालिस क्या क्या याद रखना है, बोन्स के नाम याद रखने, कौन कौन सी बोन्स है बॉस, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन एंड पैराइटल बोन्स, ठीक है। ये तीन बोन्स हैं, ये तीन सूचर्स आपने याद रखने हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी ये सारे जो टर्म्स वगैरह बताई हैं कि लैम्डा क्या होता है, ब्रेग्मा किसे कहते हैं, वॉल्ट क्या है, वर्टेक्स क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दिस इज ऑल विद द सुपीरियर व्यू। अब अगली वीडियो में आऊंगा दोबारा कोई और व्यू समझाने के लिए। स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा।